नमस्ते, मैं मेघा न्यूज इवेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। राहुल की भारत छोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस ने कहा, असम के मुख्यमंत्री मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने सलारपुर प्रखंड में कैंप का दौरा किया। शेल अंतर क्षेत्र क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। पुलिस के हत्थे चढ़ा स्कूटी चोर, चोरी की कार बरामद। NJCS मीटिंग 2024 में कोई फैसला नहीं, अब हड़ताल की तैयारी। चार कैया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर शंतराज प्रसाद के अनुसार सेल में कार्यरत करीब 50,000 कर्मियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्रीज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। वही प्रबंधन के रुख के बाद यूनियन नेताओं BMS को छोड़कर ने 29 और 30 को आहूत हड़ताल को जोरदार करने का आह्वान किया है। इंटक, C2, एटक और HMS ने 29 या 30 जनवरी को संयुक्त रूप से हड़ताल में शामिल होने के लिए BMS को शामिल कराने का प्रयास किया, लेकिन BMS नेतृत्व ने हड़ताल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब अन्य यूनियनों ने हड़ताल को जोरदार करने की तैयारी शुरू कर दी है। बैठक में यूनियन प्रतिनिधि की बात सुनने के बाद प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। प्रबंधन की ओर से कहा गया कि मुद्दों पर चर्चा के लिए सब कमेटी बनाकर फैसला लिया जाए। हड़ताल टालने के लिए प्रबंधन ने दाव चला कि इसकी पहली बैठक 29 जनवरी को ही कर ली जाए, लेकिन यूनियन नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बैठक बेनतीजा ही समाप्त हो गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। वेस्ट बंगाल पुलिस में 79 पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल का दौरा जारी है। अब राज्य पुलिस के ASP, ASDPO और DSP स्तर के 79 अधिकारियों को तबादले का निर्देश जारी किया गया है। वहीं कई वरिष्ठ इंस्पेक्टरों को ASP या DSP के पद पर प्रमोशन भी दिया गया है। इसमें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को भी कई ASP मिले हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर आसनसोल, 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक, गार्नियर, एवर यूथ, निविया, सहनाज, मैमथ, O3 प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, पतंजलि, जॉबिस, नेचर्स, मेंस ग्लो, प्लम, एम कैफिन, VLCC, गुड वाइब्स, ओला, फेम, ऑर्गेनिक, राजा, सुगर, लैक्मे, वेबलिन, लोटस कलर, पॉन्ड्स, सिल्क, मैट्रिक्स, लोरियल, बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज
9126767709। पुलिस के हत्थे चढ़ा स्कूटी चोर, चोरी की कार बरामद। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार सलानपुर थाना अंतर्गत रूप नारायणपुर चौकी क्षेत्र के रूप नारायणपुर स्टेशन रोड से शुक्रवार को संदीप चौहान नामक व्यक्ति की स्कूटी चोरी हो गई। तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। शनिवार दोपहर लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रूप नारायणपुर इलाके से धीरेन मंडल उम्र 19 नाम के युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक झारखंड के पथरल का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने झारखंड से चोरी हुई स्कूटर WB44A6446 भी बरामद कर लिया। क्षेत्र गिरफ्तार युवक का नाम धीरेन है। मंडल रूप नारायणपुर इलाके में एक मिठाई की दुकान में काम करता था। गिरफ्तार युवक को रविवार सुबह अदालत ले जाया गया। पुलिस ने जांच लंबित रहने तक 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड असनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8 and 8918940868। रांची में 19 जनवरी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ की। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के आवास पर उससे सवाल जवाब हुए। ईडी की टीम ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी हेमंत सोरेन से 27 जनवरी को दोबारा पूछताछ करेगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। शाम को पूछताछ खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम झारखंडी हैं, किसी से डरते नहीं। हम इन षड्यंत्रकारी लोगों की साजिश सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकेंगे। आप लोग इतनी रात तक या ठंड में भी रहे, हम आपके आभारी हैं। यकीन मानिए, अगर गोली चली तो पहली गोली आपका नेता खाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारी सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई उखाड़ देगा। ये लोग आपका खनिज और आपकी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश कर रहे हैं, जो हम सफल नहीं होने देंगे। आप घबराइए मत, हेमंत सोरेन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं से कहा कि मौसम खराब है, रात हो गई है, आप लोग दिन भर डटे रहे, अब घर आ जाइए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जब जब मोदी डरता है ईडी ईडी करता है जैसे नारे लगाए। ईडी के आधा दर्जन अधिकारियों की एक टीम ने दोपहर बाद उनसे पूछताछ शुरू की थी। यह पूछताछ 7 घंटे तक चली। इसके बाद रात 8:30 बजे के बाद वे अपने आवास से बाहर निकले और वहां मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। सेल के 2 डायरेक्टर, 4 ED सस्पेंड। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। सेल के 2 डायरेक्टर समेत आधा दर्जन अधिकारी सस्पेंड। सेल के ईडी एमबी बालाकृष्णन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सेबी के विनियम 30 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस्पात मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 जनवरी 2024 के माध्यम से उप नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आचरण अनुशासन और अपील नियम 1977 के नियम 22 के तहत बीएस चक्रवर्ती निदेशक और एके तुलसियानी निदेशक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 जनवरी 2024 को अनुपालन करते हुए कंपनी ने कंपनी के बोर्ड स्तर के नीचे के कुछ अधिकारियों एसके शर्मा, ईडी
सीएमओ विनोद गुप्ता, ईडी अतुल माथुर, ईडी बिक्री एवं आईटी और आरएम सुरेश, ईडी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। बताया जाता है कि लोकपाल के निर्देश पर निलंबन किया है। इन अधिकारियों के खिलाफ कुछ मुद्दों की जांच चल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. अंतर क्षेत्र क्रिकेट टूर्नामेंट का समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। एशियल अंतर क्षेत्र क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह एशियल के सक्तोरिया मैदान में आयोजित किया गया। उक्त क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ दिनांक 15 जनवरी को हुआ था। लीग मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के फलस्वरूप पांडेश्वर एवं बंकोला क्षेत्रों की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दोनों टीमों के बीच शुक्रवार को फाइनल मैच का आयोजन हुआ। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीम के बीच कांटे की टक्कर हुई और अंततः सुपर ओवर में बंकोला क्षेत्र की टीम ने विजय हासिल की। उक्त मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कार्मिक निदेशक आहुति स्वाई द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। निदेशक ने सभी भाग लेने वाले टीम के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन की सराहना की एवं सभी को भविष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पांडेश्वर क्षेत्र के श्री कृष्ण चूड़ा घोष को मैन ऑफ द मैच सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बंकोला क्षेत्र के श्री कुंदन पंडित को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उक्त टूर्नामेंट में ईशियल मुख्यालय एवं कंपनी के सभी क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया। ईशियल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कोल इंडिया के अंतर कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट में ईशियल का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां उनका मुकाबला कोल इंडिया की दूसरी अनुसंगी कंपनियों के खिलाड़ियों से होगा। ईशियल देश के ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति के अलावा अपने कर्मचारियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इस अवसर पर महाप्रबंधक सुब्रता दासगुप्ता, विभागाध्यक्ष पुण्य दी भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष कल्याण एवं सीएसआर एस के सिन्हा, विभागाध्यक्ष सिविल अभय कुमार, विभागाध्यक्ष प्रशासन जनसंपर्क अर्पण घोष, मुख्य चिकित्सा सेवाएं संगीता तिवारी, निदेशक कर्मियों के तकनीकी सचिव मनीष मिश्रा समेत विभिन्न श्रम संघों के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल जिला अस्पताल में विभिन्न विभागों में डॉक्टरों की कमी और कर्मचारियों की कमी पर मंत्री की मौजूदगी में रोगी कल्याण संघ की बैठक में चर्चा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल जिला अस्पताल में कई महत्वपूर्ण विभागों में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की भी कमी है। राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में आसनसोल जिला अस्पताल रोगी कल्याण संघ की बैठक में इन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आसनसोल जिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में पश्चिम बर्धवान के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या CMOH डॉक्टर यूनुस खान, जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास, दीप्ति सुपर कोंकण रॉय, आसनसोल पुर निगम मेयर परिषद गुरदास उर्फ रॉकेट चट्टोपाध्याय, चिकित्सक डॉक्टर संजीत चट्टोपाध्याय, डॉक्टर इंद्रजीत मोहंती, डॉक्टर रुद्र नील उपस्थित थे।
अन्य घोष सहायक सुपर डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, मुमताज चौधरी, मिलन कुमार डे, कई पार्षद, गुणवत्ता प्रबंधक, NSDNS, विभिन्न वार्डों के प्रभारी सिस्टर। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फ्लुएंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सी के बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी का 2 दिवसीय शिविर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन ईशियर मुख्यालय का अपहरा में दौरा किया, जहां सर्वप्रथम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक ईशियर समीरन दत्ता द्वारा उनका हार्दिक स्वागत ईशियर के संकल्प सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान निदेशक संचालन नीलांद्री रॉय के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी का स्वागत किया गया, साथ ही उनके द्वारा ईशियर में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इसके उपरांत महाप्रबंधक सत्येंद्र कुमार एवं अन्य विभागाध्यक्षों द्वारा संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सतर्कता एवं IT से संबंधित कार्यों को बताया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम को समस्त निदेशकगण एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी ईशियल द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम में निदेशक वित्त मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक कार्मिक आहुति स्वाई, निदेशक तकनीकी योजना और परियोजना नीलेंद्र कुमार सिंह एवं निदेशक तकनीकी संचालन नीलांद्री रॉय एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। गौरतलब है कि कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी का आगमन 18 जनवरी को ईशियर में हुआ था। वह सतर्कता विभाग में सर्वप्रथम मुख्य सतर्कता अधिकारी ईशियर मुकेश कुमार मिश्रा के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया और इसके उपरांत पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे मुख्य सतर्कता अधिकारी कोल इंडिया लिमिटेड एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी ईशियर के द्वारा पौधारोपण सतर्कता विभाग के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग की गतिविधियों में से संबंधित एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिखाई गई, साथ ही कोल इंडिया से आए हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा ईशियर के सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। 19 जनवरी को कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने ईशियर के सोनपुर बाजारी क्षेत्र का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम के दौरान सोनपुर बाजारी क्षेत्र के संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिखाया गई। इसके उपरांत सतर्कता विभाग ईशियर के द्वारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट सेल्स से संबंधित प्रेजेंटेशन दिखाई गई। इस दौरान ईशियर के मुख्य सतर्कता अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा द्वारा IT से संबंधित कार्य में तेजी लाने पर बल दिया गया। अपने इस दौरे के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि कार्य के दौरान हम सभी को नियमों के दायरे में रहते हुए ईमानदारी से कार्य करना चाहिए एवं साथ ही उन्होंने आवश्यकतानुसार नियमों में सुधार के लिए सिस्टम सुधार पर भी कार्य करने की बात कही तथा पूरे कोल इंडिया की ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाने की बात कही। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। जिला अधिकारी ने सलारपुर प्रखंड में कैंप का दौरा किया। सलारपुर राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं को क्षेत्र के लोगों तक सीधे पहुंचाने के लिए नई परियोजना समस्या निवारण शिविर शुरू हो गया है। पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पन्नावलम ने सलारपुर ब्लॉक के धगुरी गांव में अपार प्राइमरी स्कूल के कार्य प्रणाली देखने के लिए उसका दौरा किया। उनके साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय पॉल, आसनसोल के उप विभागीय मजिस्ट्रेट विश्वजीत भट्टाचार्य, सलारपुर ब्लॉक के BDO देवंजन विश्वास, सलारपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा और कई अन्य लोग उपस्थित थे। उस दिन जिलाधिकारी स्वयं शिविर के प्रत्येक टेबल पर गए और पूछा कि शिविर में आने वाले लोगों को उचित सेवाएं मिल रही है या नहीं। साथ ही उस दिन वे ढगुड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय गए और छात्रों की शिक्षा एवं विभिन्न गतिविधियों को देखा, मध्याह्न भोजन सहित अन्य मुद्दे। राहुल की भारत छोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस ने कहा, असम के मुख्यमंत्री मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत छोड़ो न्याय यात्रा को
गुवाहाटी से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। शनिवार को लखीमपुर जिले के गोविंदपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पुलिस का कहना है कि अनुरोध विचाराधीन है, हमने उचित मार्गों के साथ अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन सरकारी अधिकारी अप्रासंगिक प्रश्न पूछे रहे हैं, इनका उद्देश्य किसी भी तरह हमें रोकना है। रमेश ने कहा, उन्होंने कहा, हम असम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें उसी मार्ग में से यात्रा करने की अनुमति दी जाए जिसका इस्तेमाल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी हालिया गुवाहाटी यात्रा के दौरान किया था। असम में 3 दिनों के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। यह रविवार को अपने असम चरण को फिर से शुरू करेगी और 25 जनवरी तक राज्य में यात्रा करेगी। अब अंत में समय है मोमेंट का एसएमएस का। सक्सेस एंड रिलेशन नेवर डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर ब्रेन बट दे ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्रेटनेस ऑफ योर बिहेवियर एंड थॉट्स। सफलता और रिश्ते कभी भी आपके दिमाग की क्षमता पर निर्भर नहीं करते बल्कि वे हमेशा आपके व्यवहार और विचारों को महानता पर निर्भर करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।